ये शरीर में वो स्थान है जहां से जीवन भ्रूण में उतरता है। तो ये है ब्रह्मरंध्र। अगर भौतिक से परे के आयाम सतत एक लगातार सक्रिय प्रक्रिया बन जाते हैं, आप में से कुछ ने शायद अपनी शांभवी में ये महसूस किया होगा कि आपके सिर पर एक एंटेना आ गया है जो आपको जीवन का एक विशेष नजरिया दे रहा है। अगर आपके घर में एक नवजात शिशु है तो आप देखेंगे कि कपाल का एक विशेष हिस्सा पूरा नहीं बना है। क्या आपने ध्यान दिया है? तो बच्चे को कोमलता से संभालना होता है, वहां पर सिर्फ त्वचा होती है, कोई हड्डी नहीं होती। तो यौगिक शब्दावली में इस भाग को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। रंध्र का मतलब होता है एक मार्ग, जैसे छोटा छेद या सुरंग का मार्ग, तो इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो ये शरीर में वो स्थान है जहां से जीवन भ्रूण में उतरता है। क्योंकि जीवन भ्रूण में आ गया है और जीवन अपने विकल्पों को खुला रखता है, यानी क्या ये शरीर उसे कायम रखने में सक्षम है या नहीं, तो जीवन विकल्प खुले रखता है। जीवन प्रक्रिया में इतनी जागरूकता होती है तो ये आखिरी मिनट तक उस चौर दरवाजे को खुला रखता है। वो इसे खुला रखना चाहता है। अगर वो अपने अस्तित्व के लिए उस शरीर को उपयोगी नहीं पाता तो वो शरीर को छोड़ देगा और ये शरीर के किसी दूसरे मार्ग से नहीं जाना चाहता। ये वहीं से जाना चाहता है जहां से आया था। एक अच्छा मेहमान हमेशा सामने के दरवाजे से अंदर आता है और सामने के दरवाजे से बाहर जाता है। अगर वो सामने के दरवाजे से आता है और पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है तो मतलब उसने आपका घर साफ कर दिया है। So he wants to go out to the same door, so he keeps it open till the last minute. He wants to keep his choices. तो वो उसी दरवाजे से बाहर जाना चाहता है तो वो उसे खुला रखता है। आखिरी मिनट तक वो अपना विकल्प बरकरार रखना चाहता है। ऐसे कई मामले हैं। अगर यहाँ डॉक्टर या प्रस्तुति विशेषज्ञ हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे तमाम मामले होते हैं जहां सभी चिकित्सा मापदंडों के अनुसार भ्रूण स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था, पर किसी कारण से एक मृत शिशु पैदा हुआ, बस इसलिए क्योंकि अंदर मौजूद जीवन अभी भी चुन रहा था। अगर उसे लगता है कि ये शरीर गलत तरह का बन रहा है, जीवन की अपनी कर्म संरचना है और भ्रूण में माता पिता का कर्म है, तो हालांकि वो अपने चुनाव से ही आया है, बात बस ये है 90% या उससे ज्यादा मौकों पर ये सही होता है, पर जीवन इस बात के प्रति सचेतन है कि ये कभी कभी गलत चुनाव कर सकता है। तो यही कारण है कि गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला के आसपास एक अलग तरह का वातावरण बनाने के लिए बहुत सी सावधानियां बरती जाती थीं। अब हम ये सब छोड़ रहे हैं। आज गर्भवती महिलाएं काम पर जाती हैं, सिनेमा जाती हैं, वे सभी जगह जाती हैं, ऐसी चीजें अब नहीं की जाती हैं। ये सिर्फ इस उम्मीद से किया जाता था कि समथिंग बेटर देन हु बोथ ऑफ यू आर कम्स इनटू योर वूम्ब, आप दोनों से बेहतर प्राणी आपके गर्भ में आए। आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप पति पत्नी हैं, आपके कुछ खास गुण हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बस आपकी तरह नहीं बल्कि आपसे ऊंची गुणवत्ता का हो, आपसे बेहतर प्राणी आपके गर्भ में आना चाहिए। उस वजह से गर्भावस्था के एक खास चरण के बाद एक पति को भी उस महिला को देखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसे आराम और खुशहाली की एक खास अवस्था में रखना होता था, एक खास तरह के विचारों के साथ, एक खास तरह के वातावरण में, हर तरह से उसके सिस्टम को खुश रखने की कोशिश होती थी, सही तरह की सुगंध, ध्वनियां, मंत्र, भोजन, हर चीज, ताकि उसका शरीर एक ऐसी अवस्था में हो जिससे सही किस्म के प्राणी को निमंत्रण दे। शायद आज की दुनिया में इन सब चीजों का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर कोई प्राणी इस खास भ्रूण में प्रवेश करता है और उसके शिशु बनने के दौरान उसे उपयुक्त नहीं पाता तो वो चला जाता है, इसलिए एक द्वार खुला रखा जाता है। तो ये ब्रह्मरंध्र है।
और एक दिन जब आप शरीर छोड़ते हैं उस समय भी आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्मरंध्र से जाते हैं तो ये जाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप सचेतन रूप से शरीर के किसी भी हिस्से से जाते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रह्मरंध्र से जा पाएं तो ये प्रस्थान करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चूंकि इस बारे में बहुत सी बातें होती हैं तो इस बारे में किताबें लिखी गई हैं। एक बात यह है कि इसकी काफी संभावना है कि हो सकता है कि कोई इंसान अपने सिर के ऊपर या माथे के बीच में चीजों की कल्पना करना शुरू कर दे। वे कई चीजों की कल्पना करते रहते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप जहां भी अपने मन को केंद्रित करते हैं वहां कुछ हलचल होगी। अगर आप चाहें तो अभी आजमा सकते हैं। अपनी छोटी उंगली को ऐसे रखें और इसकी नोक पर ध्यान केंद्रित करें। आप देखेंगे कि एक मिनट के भीतर वहां कुछ हलचल होगी। शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कुछ हलचल पर गौर करेंगे। तो इसे आपके भीतर हो रही किसी महान प्रक्रिया के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। बेशक थोड़ी शारीरिक हलचल यहां वहां होती रहती है। कभी कभी ऐसा आपके साथ होता है, आप सो रहे होते हैं, शरीर का कोई हिस्सा थोड़ा सा हिलता डुलता है और ये और वो, खासकर अगर आप बहुत नर्वस हों तो ऐसा आपके साथ अक्सर हो सकता है। अगर आप सहज हैं तो शायद ऐसा ना हो। अगर आप थोड़े तनाव या दबाव में हैं तो ये आपके विभिन्न अंगों में हो सकता है, तो उसे भी गलत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं तो आप हर तरह की चीजों की कल्पना करना शुरू कर देंगे। अगर आप ध्यानमय हो जाते हैं, जो कि आप बन रहे हैं, जब आप शांभवी करते हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, यह हर तरह की चीजों को जन्म देगा, क्योंकि लोगों की कल्पना बहुत प्रचंड होती है। मैं हमेशा उन्हें ऐसा कुछ भी बताने से बचता हूं जो उनके अनुभव में नहीं है, क्योंकि वो हर तरह की चीजों की कल्पना करना शुरू कर देंगे। वैसे भी अगर आप खुद के साथ ऐसा मत कीजिए, यह जरूरी नहीं है। अगर मैं अपना हाथ अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर रखता हूं, यहां तक कि 4 फीट ऊपर तक भी अगर आप इसे रखते हैं, तो आप अपने हाथ में एक स्पष्ट भाव महसूस करेंगे जो हमेशा एक 8 के आकार में होगा। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को एक खास तरीके से रखते हैं तो ऐसा हमेशा होगा। ऐसा हर इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन यह भीतर होता है, यह शरीर से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सिस्टम में मौजूद 114 चक्रों में से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर हैं। अगर भौतिक से परे आयाम सतत एक लगातार सक्रिय प्रक्रिया बन जाते हैं, आप में से कुछ ने अपनी शांभवी में कुछ पल के लिए यह महसूस किया होगा कि आपसे परे की कोई चीज सक्रिय हो गई है। तो अगर आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाता है, तब कुछ समय बाद ये 2 चक्र जो निष्क्रिय और शरीर से बाहर होते हैं वे सक्रिय हो जाते हैं। अगर वे सक्रिय हो जाते हैं तो मतलब आपके सिर पर एक एंटेना हो जाता है। आपने पुलिस एंटेना देखा है, आपको अपने सिर पर एक एंटेना मिल जाता है जो आपको जीवन का एक खास नजरिया देता है।